हेलो दोस्तों, तो मैं आपको ले चलती हूँ आज काठमांडू से दिल्ली तक का मेरा सफ़र कैसा रहा। तो मैं पहली बार विस्तारा एयरलाइन से फ्लाई कर रही थी, तो हम एयरपोर्ट पहुँच गए और हमारा चेक इन भी हो गया। हम फ्लाइट की ओर चले गए और अंदर पहुँचते ही मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगा। पूरा लेदर का था और उन्होंने पानी भी दिया था, एक छोटी सी बॉटल, मैंने पानी पी लिया। और यहाँ पर देखा चार्जिंग का भी फैसिलिटी था और मोबाइल होल्डर भी थे, तो हम मोबाइल रख के आराम से मूवी वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पर इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट के लिए स्कैनिंग कोड भी दिया था, जो हम स्कैन करके मूवी वगैरह देख सकते हैं। और फ्लाइट बहुत ही नया था और बहुत ही पायलट भी बहुत ही अच्छे थे, जो टेक ऑफ़ किया वो पता भी नहीं चला और हम बहुत ही खुश हो गए, टेक ऑफ़ हो गए। और हमने हिमालय और पहाड़ों को देखते देखते, आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था और हॉलीडे मूड में तो सभी कुछ अच्छा हो रहा था। तो इसी वक्त हमारा लंच भी आ गए। लंच में दो ऑप्शन थे, वेज और नॉन वेज, वो तो सभी को पता ही है मैं क्यों बोल रही हूँ। तो फिर यहाँ पर था पाव भाजी और दिया था पराठा और चिकन करी, जो ठीक ठीक था। तो मैंने इतना पसंद नहीं आया लंच ऑनेस्टली, लेकिन ये केक बहुत ही बढ़िया था, जो मैंने ये पूरा का पूरा केक खा लिया, बहुत अच्छा लगा। ये केक से मेरा दिल खुश हो गया। और इन्होंने मिंट भी दिया था, जो हम दोनों ने शेयर किया, क्योंकि मेरा वाला मैंने फेंक दिया। और मैं सो गई थोड़ी देर, तो 2 मिनट सोने के बाद में हमारा फिर लैंडिंग का समय आ गया बस। और मैं ऊपर से इतना लाइटें दे के बहुत खुश हो गई। और आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा था, लैंडिंग में भी बिल्कुल पता नहीं चला, इतना अच्छा पायलट। और हम लोगों ने अपना लगेज ले लिया और हमने उबर बुक किया था, तो हम उबर को लेके बहुत ही आराम से और चमचमाती रोड, ऐसे लग रहा था दिवाली आ गए हैं। तो हम अपने होटल पे पहुंच गए। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब।